लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। इंदौर में आत्महत्याओं के मामले थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र के इंदौर उज्जैन रोड पर एक अधेड़ ने पेड़ से लटककर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। घटना की सूचना जब बाणगंगा पुलिस को मिली तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को फांसी के फंदे से उतारा और पोस्टमार्टम के लिए अरविंद अस्पताल पहुंचाया। पुलिस को मृतक के पास से एक सुसाइड नोट भी मिला है जिसमें बीवी और बच्चों से माफी मांगने की बात लिखी है। बहरहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। मैंने देखा बाबू टोलेक्स का आगे एक व्यक्ति ने फांसी लगा ली है, तो मैं घटनास्थल पर पहुंचा। वहां पे एक व्यक्ति ने फांसी लगा ली थी, उसका पता वगैरह किया तो अभी वो अज्ञात है, उसके बारे में पता नहीं। कुछ कारण सामने आया, किसी ने फांसी मार के लटका दिया या फांसी ही प्रारंभिक तौर पर क्या कहा जा सकता है? उसके पास एक नोट मिला है जिसमें लिखा है कि बच्चे को जब आप करना बताओ। बाकी जाँच अभी जारी है। बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।